टाइम पे एक गैस सिलेंडर का प्राइस हो गया था 2500 रुपीज़ हो गया था, बट मीडिया ने कभी कवर नहीं किया इस चीज़ को। गवर्नमेंट ने तो अल्टरनेट रूट कुछ नहीं, एक ही रूट है आने जाने का, सेकेंड थिंग एजुकेटिंग पीपल अबाउट द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मोस्ट ऑफ अस आर अनअवेयर अबाउट एनीथिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। पैट्रियोटिज्म ऐसा नहीं है यार, पैट्रियोटिज्म हाँ बिल्कुल है, बिकॉज दे जॉइन आर्मी एंड एवरीथिंग इन लार्ज नंबर, ठीक है, दे जॉइन इनफैक्ट आई रिमेंबर इन 2000 नागा रेजिमेंट वॉज पोस्टेड, नागा कमांडो वॉज पोस्टेड इन छत्तीसगढ़ टू फाइट नक्सलिज्म, एंड नक्सल्स हैड अ वेरी बैड टाइम बिकॉज नागास आर वेरी फियर्स फियर्स हंटर्स, ठीक है, एंड दे हंटेड डाउन नक्सलिज्म लाइक एनीथिंग, बट बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम एनजीओस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दे हैड टू बी सेंट बैक। पैट्रियटिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैट्रियटिज्म नहीं भी है तो प्रैग्मेटिज्म जो है ना, क्योंकि पता है वी हैव आवर फ्यूचर विद इंडिया, दैट थिंग दे नो, बट व्हाट दे वांट इज दे डोंट वांट टू बी सेकंड रेट सिटीजंस, ठीक है। और इज सिंपल सा है यार, नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स, ठीक है, दे ड्रेस वेरी वेल एंड दे आर लाइक काइंड ऑफ फ्लैशी, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बैड ओपिनियन अबाउट देम, if their tattoo must be blue or something, aisa aisa aisa, theek hai, I have seen a lot of these things in Delhi, but aisa nahi hai, this thing is like they come from a very open society, matlab wahan pe ladkiyan raat ko ghoomti hai 11 12 koi kabhi kuch nahi hota, theek hai, but when they do the same in Delhi or any other country or state in India, they have to face a problem, और लोग समझते कि लाइक दे हैव अ लूज कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, ऐसा कुछ सोचते हैं ना, ये चीज़ हो जाती है। और थर्ड है कि एजुकेटिंग मिनिस्ट्री इन अबाउट नॉर्थ ईस्ट, मैं 10th का स्कूलिंग मुंबई से किया था, मुझे नॉर्थ ईस्ट का में कुछ आया मुझे पता नहीं था, मुझे तो नहीं पता है कि एनीथिंग वॉज थॉट अबाउट नॉर्थ ईस्ट इन डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है, जैसे ट्रेड में नॉर्थ ईस्ट हैज सम यूनिक थिंग्स, कीवी, पैशन फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस, इज आर ट्रॉपिकल फ्रूट्स, सर मेडिटेरियन फ्रूट्स कुछ ग्रो वेरी वेल इन मेडिटेरियन एरियाज, एंड बिलीव मी लाइक नॉर्थ ईस्ट में लाइक दिस थिंग्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ना आर मच 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 टेस्टी एंड चीपर देन द थिंग्स दैट वी गेट इन मेलन इंडिया, तो वी कैन प्रमोट द ट्रेड ऑफ दोज थिंग्स टू मेलन इंडिया, बट फॉर दैट वी विल नीड कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, एवरीथिंग is absent. So once trade starts with the mainland India, then they will automatically feel a part of India. At present what is happening that they have no independent source of income. Almost all the funds are given by central government. You have to make things, factories, processes by which they generate their own fund. सिंपल सा है, सपोज यू आर इन अ फैमिली, अब चार भाई हो, सिंपल सा तीन भाई कमा रहे हैं, ठीक है, एंड दे कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ देयर सेविंग्स टू सस्टेन यू, वेन इफ दे फील दैट यू आर पार्ट ऑफ फैमिली, यू नेवर फील यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली अनलेस यू अर्न योर ओन इनकम एंड यू कंट्रीब्यूट समथिंग टू देम, ठीक है, तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ बाई इट इज कॉन्स्पिक्यूअस बाई इट्स एब्सेंस। इंडिया में लार्जेस्ट रॉक फेस्टिवल हैपेंस इन नागालैंड, हम लोग अपनी नो दिस, बहुत कम लोगों को पता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है फॉर 10 डेज, इट इन्वाइट्स ग्रुप्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल फ्रॉम स्वीडन, US, नॉर्वे, दे कम एंड परफॉर्म इन नागालैंड फॉर 10 डेज, एंड आई थिंक यहाँ पे लाइक रॉक एंड ऑल का many people from mainland they like this kind of music, which they know they can go there like hotels, roads and staying facilities wo sab bana ke rakhne pe people go there, tourism promote hoga, theek hai, to unko wapas they will feel a part of India, then like okay India knows what is happening in Nagaland, theek hai, to ye cheez hai, like ye mein bhai it's a two way process, ek side se nahi hoga।